हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज फिर से एक नए स्पॉट के ऊपर मैं और हमारी टीम जो मेरे बाजू में बैठे, देखो मेजर साहब, ये सब के सब आ गए दोस्तों फिर से हम रोह और कटला पकड़ने के लिए। तो हम आपको आज चारा भी बताएंगे और फिशिंग कैसी हो गई वो भी बताएंगे दोस्तों मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे वीडियो चलते क्यों नहीं है। आप कमेंट ही नहीं करते, क्या गलती होती है क्या नहीं गलती होती है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है। और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आज ये बीट लगाना ज़रूरी है, वो बीट लगाना ज़रूरी है, हर बार मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो दोस्तों। तो चलो चलते फिशिंग करते टाइम। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ये बीट बनाया है, देखो रूह और कटली के लिए खास। इसके अंदर स्पेशली थोड़ा गेहूँ का आटा है, थोड़ा घी है, थोड़ी कलकत्ता की चटनी भी वापरी है, क्या थोड़ा मक्का है, मक्के का थोड़ा आटा है, और थोड़ा हींग है, थोड़ा हल्दी है। तो ये इसके लिए कारगर है दोस्तों, रूह और कटले के लिए, और इसी के ऊपर हमने रूह और कटले पकड़े। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस जगह फिशिंग करते हो उस जगह ये ज़रूरी है कि वहाँ पर चराई करना बहुत ज़रूरी है। तो चराई के लिए क्या करने का है, थोड़ा गेहूँ का आटा है, थोड़ा घर के चावल जो है ना अपने पकाते वो चावल थोड़े डाले, थोड़ा गुड़ और थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा हल्दी डाले, और वो चराई करे, चराई ऐसी करे कि वो पिघलना मांगता दोस्तों। ये याद रखिए, ज़रूर याद रखिए दोस्तों। तो देखो ये जो बीट लाए हम, इसके ऊपर हमको क्या क्या मिलता है देखेंगे। चलो लगन।
हेलो दोस्तों, देखो हमने दो रू और तीन कटले पकड़े हैं। जो मैंने बताया वो बीट के ऊपर पकड़े हैं दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी बजाओ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले फिशिंग पे, अगले फिशिंग के साथ। गुड बाय।